किसी भी कारणवश आपकी कार बंद पड़ जाती है, फिर चाहे फ्यूल ख़त्म हो गया हो या कार में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप किस तरह नज़दीकी मैकेनिक के पास धक्का मार के लेके जा सकते हैं, इसका छोटा सा नाटक करके हम इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको बता रहे हैं। तो अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई कि नहीं। तो चलिए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। क्या हुआ जनाब, क्या हो गया? गाड़ी बंद हो गई है, चल नहीं रही हमारी गाड़ी। पेट्रोल सीएनजी है ना? हाँ सीएनजी है। तो सीएनजी पेट्रोल खत्म हो गया होगा? नहीं, सीएनजी और पेट्रोल अच्छा है, फ्यूल अच्छा खासा है गाड़ी में। लाइए दिखाइए क्या दिक्कत है, देखिए जरा। आइए देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले चेक कर लेते हैं गाड़ी में फ्यूल वगैरह तो है ना? फ्यूल है भाई। हाँ जनाब दिख तो रहा है फ्यूल है। फिर स्टार्ट मार के देखते हैं। स्टार्ट तो नहीं हो रही। स्टार्ट ही तो नहीं हो रही सर। तो जनाब आपने मैकेनिक से बात की? मैकेनिक से बात की, पहुंचने में वक्त लगेगा उसको। तो जनाब यहाँ नज़दीक में एक मैकेनिक है, मेरी राय रहेगी कि आप टेम्प्रेरी बेसिस पे उन्हें दिखा दें। तो नज़दीक ही है, यानी नज़दीक कितना नज़दीक है? ये आधे किलोमीटर दूर है रोड पे, हाईवे। लेकिन भाई ये गाड़ी 1 किलोमीटर तक कैसे लेके जाएंगे? धक्का मार के। धक्का? इसको कैसे धक्का मारेंगे, इसको तो 2-3 लोग लगेंगे धक्का मारने के लिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं लगेंगे। आइए अल्लाह की रजा के लिए हम आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो जनाब, आपको हैंड ब्रेक निकालना है, और हैंड ब्रेक निकालने के बाद विंडो को नीचे करना है। आप विंडो को जैसे ही आप नीचे कर लेते हैं, एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा जनाब, ये सीट बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए नहीं है, बल्कि इससे आप कुछ किलोमीटर तक गाड़ी भी घसीट सकते हैं। सीट बेल्ट को सबसे पहले इस तरह बाहर निकाल लीजिए, और बाहर निकालने के बाद दरवाज़ा इस तरह बंद कर लीजिए। अब ये सीट बेल्ट जो है इसको इस तरह आप लगा लीजिए, और जैसे ही आप इस तरह लगाएंगे, आपने हैंड ब्रेक निकाल दिया। अब हैंड ब्रेक निकालने के बाद देखिए, फिर इस तरह आपको एक हाथ स्टीयरिंग पे रखना है, और इस तरह आपको गाड़ी को धक्का मारना है, और गाड़ी को स्टीयरिंग के ज़रिए इस तरह मैन्यूवर करना है। यही तरीके से जो है आपकी गाड़ी आसानी से चल पाएगी। और मान लीजिए ऐसे वक्त में अगर आपका परिवार, ऐसे वक्त में आप अपने परिवार के साथ हो, आपका बच्चा है, और अंधेरे में गाड़ी अगर बंद पड़ जाए, तो ये टेक्निक आपके लिए लाभदायक होगी हजरत। तो चलिए अब आपको लेकर इससे चल... लेकिन सीट बेल्ट को नुकसान नहीं होगा हमारे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और गाड़ी अगर गलत जगह पे जाने लग गई तो हम ब्रेक कैसे लगाएंगे? इसी के लिए तो खिड़की खुला रखने बोला, ताकि आप अंदर घुस के हैंड ब्रेक लगा सको। अच्छा, समझ में आया जनाब, चतुर हो आप। चलिए आपका मैकेनिक भी आ गया, तो ये कम से कम आपको इल्म तो हासिल हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको सीखने मिला होगा कि अगर खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिडन, आपकी गाड़ी अगर बंद पड़ जाती है, तो ऐसे वक्त में आपको टोइंग मैन बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप कुछ किलोमीटर तक खुद ही अपने गाड़ी को टो कर सकते हो। आपको अगर वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आई है, तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह की रजा के लिए मेहनत करते हैं ताकि आपको कॉन्टेंट पसंद आ सके। और अगर आप ने अभी तक कमेंट बॉक्स खोल के कमेंट नहीं किया है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट में आपके फीडबैक हमारे लिए बड़े लाभदायक साबित होते हैं। फिर चाहे आप तारीफ़ करें या गाली दें, हम अल्लाह की रजा के लिए दोनों भी पढ़ते हैं। बस इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि अगर आप पे ऐसी मुसीबत आती है, इस तरह का सेल्फ टो परफॉर्म करने से पहले हैजार्ड लाइट यानी कि पार्किंग लाइट ज़रूर लगा दीजिएगा, ताकि आगे पीछे आने वाले लोगों को पता चल सके कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।